करेंगे। ओके सो कोई भी नहीं यहाँ पे, यहाँ पे ये रही गाइस वेपन की मिल चुकी है। अब हम चलते हैं नीचे और फिर हम निकालेंगे अपने शॉटगन को। तो यहाँ पे हमारी शॉटगन जिसको ग्रैनी ने लॉक करके रख दिया था, तो हमने ये ओपन कर दिया है देखो। और हम लेंगे आज शॉटगन और फिर हमने नॉइज भी क्रिएट कर दिया है इसके साथ। अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे ग्रैनी के आ जाने का। जैसे ही ग्रैनी यहाँ पे आ जाएगी हम ग्रैनी को किल कर देंगे। जस्ट वेट गाइस, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, देन ग्रैनी आ जाएगी, देन हम ग्रैनी को किल करेंगे। तो ये देखो गाइस ग्रैनी आ चुकी है, अब हम ग्रैनी को करते हैं किल। एंड वन टू थ्री हैवी गो, शूट देम, शूट करो भाई, शूट करो, शूट करो, शूट करो, ग्रैनी हो गई है शूट। और ग्रैंडपा का आ रहेगा, ग्रैंडपा जी आई सी यू ग्रैंडपा। ग्रैंडपा अभी तक जिंदा नहीं हुआ है आई गेस सो, क्योंकि मैंने इतना सारा नॉइस क्रिएट करा था स्टन गन से भी और वो सबसे, फिर भी ग्रैंडपा नहीं आए। सो वेयर इज आवर क्यूट लिटिल ग्रैंडपा, ओ माय गॉश। सो ग्रैंडपा को भी हमने कर दिया है क्यों। अब हम चलेंगे पूरा घर एक्सप्लोर, क्योंकि हमें ये जो एस्केप है वो हमें विद इन गाइस वैसे मैंने ये वाला एस्केप 12 मिनट में कंप्लीट करा था, बट मेरा चैलेंज था कि विद इन 15 मिनट्स, तो मैंने 15 मिनट से पहले 12 मिनट में ये एस्केप कंप्लीट करा था। आप देखो गाइस मैं कैसे एस्केप कंप्लीट कर दी, बहुत फास्ट कर दिया है मैंने गाइस। तो हम चलते हैं, अभी हमको मिला है क्रोबार, क्रोबार से हम पहले ये वाला बॉक्स खोलेंगे, उसके बाद नीचे वाला जो डोर रहता है वो ओपन करेंगे, उसके बाद वी डोंट वांट फ्यूल क्योंकि आपने गेस कर ही लिया होगा हम कर रहे हैं डोर एस्केप। सो डोर एस्केप के लिए हमको फ्यूल नहीं चाहिए, अभी मैं बहुत कुछ करना है। तो ये देखो गाइस मैंने ये सब हटा दिया है प्लैंक्स, तो अब हम चलते हैं नीचे और फिर नीचे वाला एक और बॉक्स जो है वो हम ओपन करेंगे, क्योंकि गाइस देखते अब इसमें हमको क्या मिल चुका है। तो हमें इसमें मिल चुका है कटिंग फ्लायर्स, कटिंग फ्लायर्स को लेकर हम जाएंगे ऊपर और फिर ऊपर से जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसको हम कर देंगे कट। तो गाइस इलेक्ट्रिसिटी कट करने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमको कहाँ पे ये यूज़ करना होता है। तो देखो गाइस यहाँ पे जो पेंटिंग होती है उसके नीचे हमको ये यूज़ करना रहता है, भी हम इसे रख देते हैं यहाँ पे। ग्लास फ्यूज मिला है, वी डोंट नीड दैट। तो थोड़ा घर और एक्सप्लोर कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम है हमारे पास अभी तक। सो हम अपने स्टन गन को बड़ा रोल आउट करके लेंगे। तो रोल आउट करने के लिए हम जाते हैं इस रूम में, नहीं यहाँ से हम रोल आउट कर लेते हैं, क्योंकि गाइस ये वाली जो जगह थोड़ी रिस्की है, तो हम यहाँ पर बार बार नहीं आएंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा ग्रैनी एंड ग्रैंडपा मर चुका है, तो हम वहाँ से ये जा रहे थे, अब हम जाएंगे ये सीक्रेट प्लेस में। तो यहाँ पे आपको गाइस क्राउच होके जाना पड़ता है, जैसे आप क्राउच होगे तो हम इस रूम में जा सकते हैं। और फिर हमको इसमें मिल रहा है डोर हैंडल जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी, और फिर हम ये डोर हैंडल को लेके जाएंगे नीचे क्योंकि हम कर रहे डोर एस्केप। तो पहले थोड़ा नॉइस क्रिएट कर रहे थे, देखते हैं कि ग्रैनी एंड ग्रैंडपा जिंदा है क्या नहीं। सो आई गेस सो दे आर डेड, अभी तक वो जिंदा नहीं है। तो फिर चलते नीचे क्योंकि मैंने उनको अभी जस्ट किल करा था। तो चलते गाइस, ओके सो यहाँ से हमें उठना है भाई साहब, उठो जल्दी, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। ओके सो ग्रैनी आ चुकी है गाइस, अब हम चलते हैं दूसरी साइड। अभी हम हमारी स्टन गन लेंगे और ओ माय गॉड ग्रैनी ने पीछा ही करके रख दिया है भाई साहब, भागो जल्दी आए अब से ग्रैंडपा जिंदा ना हो जाए। तो किल करके रख देते, ग्रैनी मेरे पीछे है और फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। अभी ये हमने ले लिया हमारी स्टन गन और देखते हैं फिर ग्रैनी को हम यहाँ पे कॉल आउट करेंगे नॉइस क्रिएट करके और हमने स्टन भाई साहब। ये देखो अभी क्या होने वाला है, माय गॉड ओ नो, ये क्या हो गया गाइस, मेरे सारे प्रैंक हो गया गंदा वाला। मैं ग्रैनी को मारने जा रही थी बट यहाँ पे उलझा हो गया, ग्रैनी ने मेरे को मार दिया बाय मिस्टेकली। सो डोंट वरी गाइस, कोई बात नहीं, हम फिर से डे टू में कर लेंगे। उसकी वजह से हमारा चैलेंज 15 मिनट में स्किप करने का था, वो तो हम करने ही वाले हैं, बट लेट्स सी गाइस क्या होता है इस गेम में।
तो गाइस चलते हैं आगे और देखते हैं अभी क्या हो रहा है। सो हमें दोनों को बदला लेना है क्योंकि अभी तक दोनों जिंदा हो चुके होंगे शायद से। तो ये रही ग्रैनी आ चुकी है, मेरी स्टन गन कहाँ पे, स्टन गन कहाँ पे, आई डोंट हैव स्टन गन, मेरी स्टन गन कहाँ पे।